हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। और बेटा, हम SST का अपना फर्स्ट चैप्टर आर कंट्री इंडिया रीड कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द हिमालयन रीजन। तो बेटा, इसके लिए हम पहले इंडिया के जो मैप है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, हमने क्या किया था? बेटा, फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया था इंडिया को। लास्ट चैप्टर में हमने 5 फिजिकल डिविजन के बारे में पढ़ा था। तो देखो बेटा, पहली जो है, जो पहला पार्ट है, तो वो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये जो पार्ट है बेटा, ये इस पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हिमालयन रीजन, कि यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की ये जो रेंज है, तो इसलिए इसको नेम दिया गया है हिमालयन रीजन, या फिर हम इसको कहते हैं नॉर्दर्न, क्योंकि ऊपर वाली साइड नॉर्थ साइड होती है, तो इसको हमने नेम दे दिया नॉर्दर्न माउंटेन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये बीच वाला ये पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन कौन सा है, मतलब यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, और ये जो लैंड है ये मानी जाती है कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी यहाँ पे जो फसलें हैं बहुत अच्छी होती हैं। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया था बेटा, थर्ड है ये डेजर्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद ये डेजर्ट एरिया कौन सा, कि जो रेतीला है, जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। और हमने एक पार्ट ये किया था साउदर्न प्लेट्यू। ठीक है बेटा, साउदर्न प्लेट्यू, तो ये कैसा एरिया होता है कि जिसकी आसपास की जो लैंड है वो थोड़ी नीचाई पे होती है, और ये वाली लैंड ऐसी है वो थोड़ी सी उससे ऊंचाई पे होती है। और फिफ्थ नंबर था ये कोस्टल प्लेन। ये देखिए, ये जो ओशन है, ठीक है, ये जो अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इसके किनारे पे जो लग रहे हैं, तो इनको कहते हैं कोस्टल प्लेन। तो बेटा, ऐसे हमने ये किया था, ये 5 पार्ट जो इसको फिजिकल डिविजन में इसको डिवाइड किया था। तो बेटा, आज जो हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, तो वो सेकंड चैप्टर जो है वो इस फर्स्ट डिविजन पे है। तो इसका नेम है नॉर्दर्न माउंटेन, या फिर हम इस एरिया को बोलते हैं हिमालयन रीजन। ओके बेटा, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा, अब हम ये अपना सेकंड चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं, द हिमालयन रीजन। ये देखिए, ये जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर वाला पोर्शन जहाँ लिखा हुआ है हिमालयन रेंज, ठीक है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ियों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहे, द हिमालयाज लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था मैप में कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इंडिया का, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट। तो जो हिमालय है वो इंडिया के नॉर्थ में पाया जाता है। तो कह रहे, द हिमालयन माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर अ डिस्टेंस अबाउट 2500 किलोमीटर। कह रहे कि ये जो हिमालयन रेंज है, ये वाला जो रीजन है, तो ये इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर। इन अ लॉन्ग कर्व फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके ये जो रेंज है, यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ऐसे। तो जो जम्मू कश्मीर है वो वेस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश किधर है, ईस्ट में।
तो ये वेस्ट से लेके हम ईस्ट तक की इसकी रेंज देख रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में बेटा ये भी किया था कि जो इंडिया है इसकी जो मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना था, बताओ मेरे को। वेस्ट से गुजरात से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इसका टोटल डिस्टेंस था 2900 किलोमीटर। और अगर हम हिमालयन रेंज को देखें तो उसका कितना है डिस्टेंस, जो है ये है 2500 किलोमीटर। तो आगे देखते हैं बेटा कि द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लाइक अ ह्यूज वॉल। वॉल क्या होती है, दीवार। ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, एक दीवार का काम करती है अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये देखिए ये जो बाउंड्री है ना आपको दिखाई दे रही है, यस, तो ये बाउंड्री का एक काम कर रही है, ठीक है। किससे, ये है चाइना, ठीक है। तो चाइना जो है वो अलग कंट्री है, तो उससे इंडिया की जो बाउंड्री है वो हिमालय ने बनाई हुई है कि वो डायरेक्ट इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता। इसकी वजह से इट फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर। इससे क्या है, एक नेचुरल मतलब प्रकृति की तरफ से, जो कहते हैं ना कि हम मतलब इंसान ने नहीं करा, ठीक है, इसमें कुछ भी, ये मतलब पहले से ही नेचुरल वे में पहले से ही बना हुआ है ये बॉर्डर जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। और कह रहे नेपाल एंड भूटान आर द टू कंट्रीज विच लाई कंप्लीटली इन द हिमालयन रीजन। अब कह रहे कि ये देखिए ये जो ये पोर्शन है ना ये है नेपाल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है भूटान का। तो ये बेटा सेपरेट कंट्रीज हैं, ये इंडिया में नहीं आते हैं, नेपाल और ये भूटान। तो मगर ये क्या है, ये हिमालयन रेंज में ही आते हैं, ठीक है, इंडिया का पार्ट तो नहीं है मगर ये हिमालय का पार्ट ज़रूर है, ठीक है। तो ये टू सेपरेट कंट्रीज हैं जो हिमालयन रेंज में आती हैं। अब कह रहे कि इन द नॉर्थ ईस्ट इट रन्स साउथवार्ड। अब ये देखिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये रन साउथवार्ड। साउथवार्ड मतलब नीचे की तरफ जा रही है पहाड़ी यहाँ से, ठीक है, जो इसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ईस्ट की तरफ से, तो ये जो हिमालयन पहाड़ी है ये नीचे की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ यहाँ तक जाती है, ऑरेंज पार्ट यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है नीचे को जाता हुआ। तो कह रहे हैं एंड फॉर्म अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। अब इस साइड जो है ये है म्यांमार, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में भी बॉर्डर बना दिया इसने। म्यांमार भी जो है वो सेपरेट कंट्री है जैसे कि चाइना है, तो इसने हिमालय ने म्यांमार से भी हमारा बॉर्डर यहाँ पे शो किया है। म्यांमार इसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहे कि हेयर द माउंटेन रेंजेस आर नॉट वेरी हाई, मगर कह रहे कि ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, उनकी हाइट कम ही होती है। एंड आर कॉल्ड पूर्वांचल, तो इनको पूर्वांचल का नाम भी दिया गया है। हम कहते हैं ना बेटा ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा, ठीक है। तो पूर्व से इसको पूर्वांचल नाम दिया गया है। तो कह रहे द हिल्स इन दिस एरिया सच एज गारो हिल्स, खासी हिल्स, नागा हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स आर नॉट वेरी हाई। अब कह रहे कि ये जो यहाँ पे हैं गारो खासी हिल्स, ये यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, और जो है ये नागा हिल्स हैं वो इस साइड में पड़ती हैं। तो कह रहे कि ये जो हिल्स हैं ये कह रहे कि ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, इनकी हाइट कम ही है। और कह रहे जो काराकोरम है माउंटेन लाई इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर है बेटा, मतलब वेस्ट इस साइड है और नॉर्थ ऊपर वाली साइड। तो कह रहे कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है काराकोरम माउंटेन, वो यहाँ पे पड़ती है इसकी रेंज, ठीक है बेटा। तो कह रहे कि बियॉन्ड रिवर इंडस, और यहाँ पे पास में ही ये जो इंडस रिवर है ये भी जाती है, उसके पास में ही पड़ती है काराकोरम माउंटेन। तो कह रही कि दीज आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, इसको कश्मीर का नॉर्थ पार्ट बोला जाता है। और कह रही कि के टू
और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया लाइज इन द काराकोरम माउंटेन। अब ये जो काराकोरम माउंटेन है यहीं पे कह रहे कि जो K2 है यहाँ पे पाई जाती है बेटा, K2, इसको नाम दिया गया है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो ये जो है ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया में इसको काउंट किया जाता है। और कह रहे इट इज 8611 मीटर हाई, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और इंडिया की तो ये हाईएस्ट पीक है और पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड हाईएस्ट पीक के नाम से इसको जाना जाता है, K2। अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कह रहे कि द वर्ड हिमालय इज डेराइव्ड फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स। जो वर्ड हिमालय है वो टू संस्कृत के वर्ड से मिलके बना है, हिम प्लस आल्या। तो हिम का मतलब होता है स्नो और आल्य का मतलब है अबॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, द अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब कि हिम मतलब हिम है, मतलब स्नो मतलब बर्फ, और आलय मतलब अबॉर्ड मतलब आलय घर, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, बर्फ का घर। तो कह रही कि मोस्ट ऑफ इट्स पीक्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरा साल ही ये जो पीक है, ये जो माउंटेन पीक है, यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है, पूरा साल। तो कह रहे द हिमालयाज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड पीक्स। तो हिमालय को कह रहे कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के कारण। कह रहे कि द हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर जोन। जो अब कह रहे कि ये जो हिमालयन रेंज है जो कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट में जम्मू कश्मीर से लेके जो ये ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो कह रहे कि इसकी जो डिस्टेंस है ये 2500 किलोमीटर है। तो इसको कह रहे कि फोर जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन आता है हिमाद्री, हिम हिम क्या होता है, बर्फ। तो जहाँ पे मतलब पूरा साल बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है तो उस पोर्शन को बोलते हैं हिमाद्री। और द ग्रेटर हिमालयाज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, कि नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में पड़ते हैं और इसको पूरा साल ये बर्फ से ढकी रहती हैं। कह रहे सेकेंड नंबर पे है कि द हिमाचल, सेकेंड नंबर पे क्या आती है, फर्स्ट पे है हिमाद्री, सेकेंड है हिमाचल। तो और लेसर हिमालयाज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, जो हिमाद्री है मतलब उसके साउथ की साइड, मतलब नीचे की तरफ ये पड़ता है पोर्शन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमालय की जो रेंज है वो थोड़ी कम हो जाती है उसके कंपैरिजन में। थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक और द लोअर हिमालय। शिवालिक यानी कि लोअर मतलब कि जहाँ पे पहाड़ियाँ कम पाई जाती हैं। और फोर्थ नंबर पे है द तेराई और द मार्शी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, कि ये उत्तर प्रदेश के पोर्शन में पड़ती है और इसको मार्शी लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पीक सिंदा हिमालयास। अब हम पीक मतलब जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन सी हैं, मतलब जो पीक मतलब बहुत ऊंचाई पे चली जाती हैं, बहुत हाइट पे चली जाती हैं। तो कह रहे कि द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। कह रहे जो हिमालय है उसकी जो माउंटेन है मतलब पहाड़ियाँ हैं वो वर्ल्ड में मानी जाती हैं अपनी हाइट की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। तो कह रहे कि माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय, हिमालय में माउंट एवरेस्ट है जिस इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो उसको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का नेम दिया गया है। इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल, ये कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जो हिमालयन रेंज है
तो उसमें इंडिया, वो इंडिया में आती है मोस्टली, ठीक है, मगर उसके अंदर हिमालयन रेंज के अंदर ही टू और कंट्री हैं जो आती हैं, वो है एक नेपाल और दूसरी कौन सी है, भूटान। तो कह रही कि जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये नेपाल में पाई जाती है, और इसकी हाइट क्या है, अबव 8848 मीटर। कह रहे अदर इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालय, हिमालय के अंदर और भी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8598 मीटर, नंदा देवी है जिसकी हाइट है 7817 मीटर, धौलागिरी इसकी हाइट है 8172 मीटर, नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा। तो ऐसी ये जो माउंटेन पीक्स हैं ये सब हिमालय में पाई जाती हैं। कह रही कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर, कह रही कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं फॉर माउंटेनियरिंग, पहाड़ियों पे चढ़ाई करने के लिए। टेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन 1953। कह रहे कि जो टेंजिंग नॉर्गे थे इंडिया के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, तो ये फर्स्ट मैन हुए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की 1953 में। और कह रहे इन 1984 बचेंद्री पाल, आपने नाम सुना होगा बिचेंद्री पाल, अ कॉलेज लेक्चरर, ये कॉलेज की लेक्चरर थी, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये इंडिया की पहली औरत थी जिन्होंने क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो इसके बाद बेटा अब हम जो हमारा पार्ट आता है, जैसे कि हमने हिमालय को फोर रीजन में डिवाइड किया था, तो हम उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयास। तो कह रहे कि द ग्रेटर हिमालयास और द हिमाद्री, कि जो हिमाद्री है उसको दूसरा क्या नाम दिया गया है, ग्रेटर हिमालय, क्योंकि हिमाद्री, ठीक है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है पूरा साल। कह रहे कि इज लाइक अ ग्रेट वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चाइना से एक बॉर्डर बनाती है इंडिया के बीच में, तो ये हिमाद्री वाला पोर्शन है जो चाइना को और इंडिया को सेपरेट करता है। तो कह रहे द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर लाई इन दिस रेंज। कह रहे कि जो मतलब सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है तो वो इसी रेंज में पाई जाती है। तो कह रहे कि द कंचनजंगा एंड द अन्नपूर्णा आर टू वेरी हाई पीक्स इन दीज रेंजेस, जो कंचनजंगा है और अन्नपूर्णा, इन सम एरियाज ऑफ दिस रेंज द स्नो कीप्स मूविंग डाउन स्लोली। तो कह रहे कि जो ये ऐसा एरिया है, स्नो कीप्स मूविंग डाउन स्लोली, मतलब धीरे धीरे बर्फ यहाँ पे नीचे आती है। दिस मूविंग मास ऑफ आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। तो ये जो मास मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जो पाई जाती है, मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो कह रहे मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया सच एज इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर। तो कह रहे ये जो ग्लेशियर हैं यहीं से ये सारी नदियाँ बहती हैं। द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर,
जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। यमुना स्टार्ट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स, कह रहे कि गर्मियों में क्या होता है कि जो बर्फ़ पहाड़ियों पे बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू होती है, पिघलने लग जाती है। मेल्ट मतलब पिघलती है, पानी बनती है। एंड हेल्प्स द रिवर्स टू फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और हेल्प करती है कि ये जो नदियाँ हैं ये सारा साल बहती रहें। नथिंग ग्रोज इन दिस रीजन, तो कह रहे कि इस ये जो रीजन है ये बर्फ़ से ढका रहता है, तो इसलिए क्या है बेटा कि यहाँ पे किसी भी तरह की खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना होगा। अब आप इसको घर बैठ के आराम से इसको रीड आउट करोगे। ओके बेटा, बाय।